आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बहुरीबंद एसडीएम संगमित्रा गौतम की मिसाल के चर्चे जगह जगह पर हो रहे हैं। बंधक 30 मजदूरों को जन सहयोग लगभग 20,000 रुपए लागत से मुक्त कराकर उनके गांव पहुंचाए, 4 महीने तक काम कराया, मजदूरी नहीं दी। महाराष्ट्र में बंधक बने 30 श्रमिक पहुंचे अपने गृह ग्राम। बहुरीबंद एसडीएम ने पेश की मिसाल। ग्राम कोड़िया धनवाही के 30 श्रमिकों को महाराष्ट्र के शोलापुर से बंधक बने मजदूरों को बंधक मुक्त कराया गया, जिनकी सोमवार की शाम 7 बजे गृह ग्राम वापसी हुई। मजदूरों को बंधक मुक्त कराने में बहुरीबंद एसडीएम संगमित्रा गौतम ने अहम भूमिका निभाई है। एसडीएम संगमित्रा गौतम ने जन सहयोग से लगभग 20,000 रुपए निजी खर्चे और कोविड फाइटर ग्रुप सहयोग से श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराने में महत्वपूर्ण रही। विकास पांडे के द्वारा मामले की जानकारी बहुरीबंद एसडीएम को दी, जिसके बाद एसडीएम के द्वारा महाराष्ट्र के मंद्रूप थाना टीआई से संपर्क किया गया और मामले की पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद मंद्रूप टीआई के द्वारा श्रमिकों को सोलापुर से मुक्त कराकर थाना लाया गया और नागपुर तक वाहन व्यवस्था कर भेजा गया। नागपुर से सलीमनाबाद कोड़िया तक एसडीएम बहुरीबंद के द्वारा 20,000 रुपए निजी खर्चे से सकुशल घर वापसी हुई। नागपुर और जबलपुर में श्रमिकों को कोरोना फाइटर ग्रुप के द्वारा भोजन व्यवस्था कराई गई। सलीमनाबाद पहुंचने पर श्रमिकों का कोविड जांच सलीमनाबाद अस्पताल में कराया गया और बाद में ग्राम कोड़िया ले जाया गया। श्रमिकों के ले जाने वाले एजेंट पर कार्रवाई होगी। एसडीएम संगमित्रा गौतम ने कहा कि श्रमिकों को रुपयों का झांसा देकर महाराष्ट्र कार में ले जाने वाले ग्राम मवई के एजेंट मंगी कोल पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस प्रकार के मामलों को पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही श्रमिकों को जो मजदूरी नहीं मिली उन्हें मजदूरी मिले, इसके लिए कलेक्टर से भी चर्चा की गई और ठंड से ठिठुर रहे 11 बच्चों को देखकर एसडीएम संगमित्रा गौतम ने निजी पैसों से 11 बच्चों को पहनाए गर्म कपड़े।